डालेंगे नजर अगली खास खबर की तरफ। बता दें खबर आ रही है पावटा से, जहां पर पावटा में विधायक इंद्रराज गुर्जर के जन्मदिवस के अवसर पर एजीएन अस्पताल में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। देखिए हमारी खास खबर। आज हम यहां विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के जो पावटा तहसील है वहां पर एसजीएन हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। यहां पर जो वर्तमान विधायक श्रीमान जी इंद्रराज जी गुर्जर जो कर्मशील है, प्रगतिशील है और कर्मठ परिश्रमी लगनशील युवा नेता जन जन के लाडले, उनके जन्मदिवस के अवसर पर यहां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये रक्तदान का जो पोस्टर है वो दिखाएं साफ तरीके से, इधर बगल में इधर पूरा। कोरोना काल में जो स्थिति इतनी नाजुक रही है, अनेक हॉस्पिटलों में ये स्थिति देखी गई है कि रक्त की वजह से बहुत लोग इस कोरोना काल के ग्रास में समाये हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जो जगह जगह रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय और एक अच्छा प्रयास है जन नेताओं के द्वारा, धन्यवाद। हाँ, पावटा एसजीएन हॉस्पिटल में जो रक्तदान शिविर चल रहा है उस रक्तदान शिविर में सीएससी के अंदर जो डॉक्टर एसके वर्मा साहब हैं, हम उनसे राय जानना चाहेंगे कि इस रक्तदान शिविर में वो आए हैं, उनकी क्या राय है। पिछले जो अपने जो 1.5 साल से जो महामारी चल रही है कोरोना की, उससे क्या ब्लड बैंक में खून की काफ़ी कमी हो गई थी, क्योंकि इस तरह के जो आयोजन तो बीच में कम हो गए थे और जो डोनेशन वो कम नहीं हुआ था। लेकिन अब जिस तरह के डोनेशन हो रहे हैं इससे क्या वापस ब्लड बैंक फुल हो जाएंगे और जो जिनको ज़रूरत है उनको जो आसानी से जो ब्लड उपलब्ध हो पाएगा। तो इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग पालना है वो ज़रूरी होती है, जो ना कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप श्रीमान जी जो विधायक साहब है वो अभी अभी पहुँचे हैं और विशाल रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हम जन संदेश के रूप में इनसे कहना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी को भी और पूरे समाज को एक रक्तदान शिविर के रूप में ये क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि कोरोना महामारी चल रही थी, ब्लड बैंकों में रक्त की कमी है, उसको देखते हुए हमारे पूरे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि ब्लड बैंक में किसी प्रकार की ब्लड की कमी नहीं रहे और हमारे आसपास के विराटनगर और आसपास के क्षेत्रों में रक्त की कमी ना रहे, इसके लिए सब जगह रक्तदान शिविर आज आयोजित किए जा रहे हैं। मैं सब पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पहुँचे हैं रक्तदान शिविर सेंटर पर। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से रक्तदान किया जाता है, किस तरह से, देखिए मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ थोड़ा ये दिखाइए कि किस तरह से वेट किया जाता है और किस तरह से, कितने ml की है जी? 750 ml। 750 ml की है ना जी, 250 ml बैक कर रहता है, बाकी ब्लड डोनेट।